सभी का ऑनलाइन एजुकेशन में आज फिर स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को मैंने पहली वीडियो में अपना एक इंट्रो क्लास दिया था। और सबसे पहली बात एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा हर वीडियो में गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है कि हमेशा इंसान को ना एनर्जिक रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। इंसान हमेशा एनर्जेटिक रहेगा तो हर चीजों को वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो मैं हमेशा सभी से गुड मॉर्निंग विश करता हूँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग एक एनर्जेटिक वर्ड है कि गुड मॉर्निंग, हमेशा एक बॉडी में एनर्जिक एक ऊर्जा रहती है हमेशा, इसलिए मैं हमेशा गुड मॉर्निंग विश करता हूँ। तो गाइज गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एंड आपका ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। गाइज आज हम बात करके टाइम और टेंस की। कल जो मैंने परसों वीडियो दी थी अपनी, वो मेरी इंट्रो क्लास थी, जिसमें मैंने अपना बेस, आप लोगों का जो बेस है इंग्लिश का बेस है, जिसमें आप लोगों में हवा मचा रखा था कि भाई टीचर्स ने बोल बोल के कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ये होता है, प्रेजेंट परफेक्ट ये होता है, कंडीशनल सेंटेंस और डिक्रा फलाना पता नहीं क्या क्या आपको बता रखा था, एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको रटवा दिया था वो चीजें। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एक लैंग्वेज के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ और एक लैंग्वेज के तौर पर शुरू किया था और एंड तक लास्ट वीडियो भी मेरी एक लैंग्वेज के तौर पर यू गेट फुल ऑफ एनर्जेटिक होगी। मैं एनर्जी से भरा होता हमेशा रहता हूँ, एनर्जी से भरा, क्योंकि मेरा मानना है अगर मैं एनर्जी से भरूंगा तो आपको भी एनर्जी डाल पाऊंगा। मेरी एक सोच है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इस हिसाब से इतना पढ़ा दूं आपको कि आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं ना तो आप 5 घंटे पढ़ने लगे, 6 घंटे पढ़ने लगे, मैं इतनी एनर्जी आप में भर दूं। मेरा पढ़ाने का ये दूसरा मकसद है। मेरा पहला मकसद आपको 100% दे सकूं, दूसरा मकसद आपको एनर्जेटिक बना सकूं। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं टाइम ऑन टेंस। गाइज टाइम ऑन टेंस हम शुरू करने जा रहे हैं। तो टाइम ऑन टेंस से पहले मैं एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं अपना पहले वाली वीडियो का, जो मैंने पहले वाली वीडियो परसों डाली थी। उसमें क्या था कि हमने बताया था कि जितने भी यहाँ सेंटेंस होते हैं, जितने भी हिंदी में सेंटेंस होते, क्योंकि पता क्या है कि जो फॉरनर्स होते हैं ना उनको बोलने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि वो सेंस पकड़ते हैं। मैं अगर फॉरनर बोले आई एम टीचिंग तो उसको कोई ये नहीं बताओ कि वो कंटिन्यूस बोल रहा है कि परफेक्ट बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, बट वो फ्लो में आ रहा है, वो सेंस पकड़ रहा है, उसको पता है। अब हमें अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भारत का रहने वाला हूं तो मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो इसी तरीके से फॉरेनर को भी अपनी लैंग्वेज में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि वो सेंस पकड़ रहा है। मैं हिंदी की सेंस पकड़ रहा हूं तो इसी तरीके से मैं अगर इंग्लिश की सेंस पकड़ू तो मुझे इंग्लिश में भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ना समझने में, ना पढ़ने में, ना ही बोलने में। तो सर अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम क्या करते हैं, मैंने पीछे जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि काम जारी के सेंटेंस के क्या होते हैं, काम खत्म के सेंटेंस में क्या होता है, क्या कौन सी वर्ब लगती है, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लाइफ सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें ऐसी एस लगते हैं, वो सब मैं प्रेजेंट की बात करता। आज हम बात करते हैं पास्ट की। वो मैंने बेसिक उठाया था, वो प्रेजेंट में वहां कवर कर चुका हूं। आज हम बात करें पास्ट की, उसके बाद मैं बारी बारी हर एक टेंशन जैसे जैसे बुक्स में लिखे हुए उसी तरह के भी मैं लिखूंगा, बट बोलूंगा नहीं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, या पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस है, मैं बोलूंगा नहीं, बट मैं उस तरीके से लिखूंगा जिससे आपको बेटर एक व्यू बन सके। ठीक है जी, आपको आज एक यूनिक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है कि आपको कभी आज तक यही नहीं पता लगा कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। आज मैं अपनी कोशिश करूं कि आपको एक डेफिनेशन एक बता पाऊं, हेल्पिंग वर्ब है क्या चीज, मेन वर्ब है क्या चीज, जिससे टाइम ऑन टेंस वहां से ही आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपको जैसे जैसे मैं पर्दे खोलूंगा, आपकी आंखों के पर्दे खोलूंगा, जो आपके आंखों में आज तक लोगों ने लगा रखे थे कि भाई इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस उसमें ये वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में ये यूज होती है, पास्ट परफेक्ट में ये यूज होती है, आज मैं ऐसे ऐसे पर्दे हटाऊंगा कि आपको लगेगा हाँ ये तो ये सेंस पकड़ने से हो रहा है, ये तो अब तक हम बकवास ही पढ़ रहे थे, और अब तक रियली में तुम बकवास ही पढ़ रहे थे। आज मैं अपना परफेक्ट 100% कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज समझ आए। और आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं पास्ट की। पास्ट होता क्या है, पास्ट होता जो काम हमारा पास्ट में हो चुका है। सबसे पहली बात, जो काम हमारा पास्ट में हो चुका है भाई वो तो काम खत्म में भी हो रहा है, जो काम हमारा हो चुका है, जो काम हमारा हो चुका है, जो काम हमारा पास्ट में हो चुका है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है जी, हमेशा याद रखना, हमेशा ये याद रखने की चीज बता रहा हूं, हमेशा याद रखना पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। अगर किसी सेंटेंस में हमेशा पास्ट में क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बताया था कि जब भी जस्ट अगर आपके सेंटेंस में दिख जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, हमेशा वर्ब की क्या लेगा,
थर्ड फॉर्म लेगा। ऐसे अगर नाउ दिख जाता है तुम्हें तो क्या लेगा, वर्ब में हमेशा आईएनजी लेगा जी, हमेशा आईएनजी लेगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं जस्ट नाउ, अगर मैं बोलूं जस्ट नाउ तो इसका मतलब है पास्ट की बात कर, और पास्ट में हमेशा क्या लेता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेता है। तो इसी तरीके से अगर कभी भी सेंटेंस में हमारे पास जस्ट नाउ हो तो क्या हमें करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि वहां एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है जो मुझे पास्ट मांग रहा है, जो कि मुझे पास्ट की वर्ब मांग रहा है। तो पास्ट की वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट की वर्ब होती है। ठीक है जी। अब उसी तरीके से देखो, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अब मुझे कैसे पता लगेगा भाई ये सेंटेंस पास्ट का है या पास्ट की वर्ब यूज होगी या काम खत्म की वर्ब यूज होगी, मुझे कैसे पता लगेगा। देखो जी, जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर ये सभी वर्ड्स पास्ट से रिलेटेड वर्ड यूज होते हैं, जैसे येस्टरडे हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट डे हुआ, लास्ट मंथ हुआ, एगो हुआ, बैक हुआ, द अदर डे हुआ और द प्रीवियस डे हुआ, अगर ये सभी वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिखते हैं तो वो 100% पास्ट की फॉर्म लेगा, जो कि सेकंड फॉर्म होती है, जो कि क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। वो काम खत्म नहीं लेगा, काम खत्म भी मेरा काम खत्म हो चुका पास्ट में पर लेकिन वहां ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, इसलिए मैं उसे काम खत्म के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में बना रहा हूं। वहां ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो मुझे पास्ट डिनोट कर रहा हो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वर्ड की सेकेंड फॉर्म यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है उसमें ये वर्ड ये जरूर होगी, वो कहीं ना कहीं मुझे पास्ट की सेंस दे रहा होगा सेंटेंस। अगर वो पास्ट की सेंस दे रहा है और उसमें क्लियरिफाई हो रहा है कि वो पास्ट की सेंस दे रहा है तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करूंगा। ठीक है जी सर। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं सर। एक एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई स्लेप्ट वेरी साउंडली यस्टरडे नाइट, यानी कि यस्टरडे आ चुका, तो क्या आएगा जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज होगी। वर्ब की क्या होगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब अगले सेंटेंस में आते हैं, सीमा डिपॉजिट हर ट्यूशन फी यस्टरडे, भाई यस्टरडे आ गया, तो अब देखो जी इसमें कुछ ना कुछ एरर है। एरर क्या है जी, एरर है डिपॉजिट, क्योंकि भाई यस्टरडे आया तो वर्ब पास्ट फॉर्म लेगा, और पास्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म, ईडी हमारे पास एड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हुआ पास्ट में। जैसे मैंने कल लाइव सेंटेंस में काम जारी में और काम खत्म में बताया था कि वो कहां और कहां कहां यूज होते हैं, ऐसा मैं सेम यहां भी बताता हूं, यहां भी बता रहा हूं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहां कहां यूज होती है। जैसे कि इट्स हाई टाइम, इट्स राइट टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो इन वर्ड से सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनके साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बट उसमें कंडीशन होती है। वो कंडीशन दोस्तों जरूर याद रखना, क्योंकि वो कंडीशन में वो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछ लेता है। अधिकतर क्वेश्चन अगर पास से पूछेगा तो वो यहाँ से ही पूछेगा, इन चार चीजों से क्वेश्चन पूछेगा एसएससी में, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा पास से। तो देखो जी होता क्या होता, सिर्फ इतना है कि अगर इनके तुरंत बाद टू आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, अगर इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, यानी कि पास्ट फॉर्म यूज होगी, ये आपको ध्यान रहेगा। अब देखो जी एक एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। क्या एग्जांपल, देखो जी एग्जांपल देते हैं कि इट्स टाइम यू गो टू बेड, यानी कि ये सही समय है कि तुम्हें बेड में जाना चाहिए। और एक चीज, छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ कि इट्स टाइम, इट्स राइट टाइम और इट्स अबाउट टाइम का मतलब होता है कि ये सही समय है, इसका मतलब क्या होता है, ये सही समय है। और इट्स हाई टाइम का मतलब क्या होता है, इट्स हाई टाइम का मतलब होता है ये जल्दी करो, मतलब कि इट्स पहले ही बहुत देर हो चुकी, मतलब क्या है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी, इसका मतलब पहले ही बहुत देर हो चुकी, ये बहुत ज्यादा हाई टाइम है। ठीक है, अब इन सभी के साथ में अगर सब्जेक्ट आ रहा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इट्स टाइम यू गो टू बेड, यानी कि इसके बाद क्या रहा, एक सब्जेक्ट आ रहा है गो, एक सब्जेक्ट आ रहा है यू। ठीक है जी, अब यू सब्जेक्ट आ रहा है तो ये वर्ब क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, यानी कि ये तो गलत, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास यूज होगी। ठीक है सर, अब आगे की बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। हाँ जी सर, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो, मैं आज आपको ना एक ऐसी यूनिक चीज बताने जा रहा हूं जो किसी ने नहीं बताई अभी तक, आपको किसी ने नहीं बताई होगी। देखो जी, हेल्पिवर होती क्या है, हेल्पिवर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज हेल्पिवर, हेल्पिवर है क्या, क्या डेफिनेशन क्या है उसकी,
कोई आपको मतलब डेफिनेशन रटवा दी, बुक्स में लिखी है डेफिनेशन रट लो, सेंस नहीं पकड़ाई। मैं सेंस पकड़ा रहा हूं और वहां की कुछ हेल्पिंग वर्ब से मैं ये सारा कंसेप्ट बताऊंगा। टाइम टेंस है क्या चीज, क्या नहीं है, सब चीज मैं बताऊंगा। देखो जी, लाइफ के सेंटेंसेस की मैं शुरू में बात करूंगा। लाइफ के सेंटेंस की पास्ट में भी, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी, इंटरोगेटिव में भी, नेगेटिव में भी, अफर्मेटिव में भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले किसकी? लाइफ सेंटेंसेस की। तो ये मेरे पास जो मैंने छह लिखी है लाइफ सेंटेंसेस है, एक इंटरोगेटिव का लाइफ सेंटेंसेस है, एक नेगेटिव का लाइफ सेंटेंसेस है। ये तीन इंटरोगेटिव के और ये तीन नेगेटिव सेंटेंसेस के है, ठीक है जी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, लाइफ सेंटेंसेस का मैंने वही कवर करा दिया था, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपना कवर करा दिया था लाइफ सेंटेंसेस में। उसका पास्ट एंड फ्यूचर में कुछ इतना बड़ी बात है नहीं, वो मैं यही इसी में बता दूंगा हल्का मोटा, तो उसमें इतनी बड़ी बात है नहीं। तो आज हम बात करते हैं इन तीनों के लाइफ सेंटेंसेस के आगे के बारे में। लाइफ सेंटेंसेस के तीन मेरे पास नेगेटिव है और तीन मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है जी। अब देखो जी, अब है क्या हेल्पिंग और होती क्या, हेल्पिंग क्या होती है जी, छोटी सी चीज से समझाऊंगा मैं। जब कभी आपकी, अब देखो जी, ये तीन सेंटेंस मैंने दे दिए, ठीक है जी। अब मुझे बताओ कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा प्रेजेंट है? नहीं पता जी, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। जब कभी हमारी मेन वर्ब टाइम टेंस बताना बंद कर दे, जब हमारी मेन वर्ब टेंस बताना बंद कर दे कि कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, तो हम मेन वर्ब क्यों यूज करते हैं? तो हम किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब का यूज करते हैं। अब मेन वर्ब होती क्या है जी? मेन वर्ब, जब हमारी मेन वर्ब, जब हमारी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं जी, जब हमारी मेन वर्ब टेंस बताना बंद कर दे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, और टेंस बताना बंद कर दे, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं टाइम वर्ब, टेंस बताने के लिए, ठीक है जी। टेंस बताने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, नाम से पता लगता है हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, क्या बताने के लिए? टेंस बताने के लिए कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, ठीक है जी। अब जैसे कि अगर मैं इसमें लगा दूं डू, तो मुझे पता लग गया जी ये क्या है जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव है, जैसा लोग कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये एक लाइफ सेंटेंस है, जो कि जिसका लाइफ सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ठीक। मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे बोल सकता हूं, बट लाइफ सेंटेंस का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है जी, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है जी। अब बात करते हैं डू यू गो, हो गया जी। अब अगर मुझे पता है पास्ट में जब कभी जाएगी, मैंने आपको बोला पास्ट में हर एक चीज की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म होती है जी डिड। तो इसीलिए प्रेजेंट, इसीलिए पास्ट में हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस में, लाइव सेंटेंस में क्या होती है? डिड होती है जी, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि मैंने बताया था पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लेगा। बिल्कुल सही बात है जी। अब बात करते हैं फ्यूचर की। अब देखो जी, फ्यूचर में क्या होता है? जो ये विल, सेल, माइट, मस्ट, मे, कुड, शुड, वुड, ये जितने भी वर्ड्स है, ये सारे हमारे पास इमोशंस को बताते हैं, तो हम फ्यूचर में इन्हीं को ही लगाते हैं। विल और सेल का हम यूज करते हैं फ्यूचर में, हम इमोशंस बताने के लिए, ठीक है जी। तो हम यूज करते हैं किसका? विल का। विल यू गो, डू यू गो और डिड यू गो, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसे ही से मैं वो चीज करता हूं, भाई ये डू लिखा, तो मुझे पता लग गया जी ये मेरे पास क्या है? लाइव सेंटेंस का नेगेटिव पार्ट है, जिसके अल्पे वर्ड डू है। अगर ये पास्ट में जाएगी तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी जी? डिड हो जाएगी जी, क्योंकि हमेशा पास्ट में क्या लेगा? सेकंड फॉर्म लेगा। रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है चीजों को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला पास्ट में हमेशा क्या लेगा? सेकंड चीज लेगा। पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा जी। क्लियर हुआ? अब इमोशंस की बात करें तो इमोशंस में क्या आता है जी? विल आता है जी, तो ही विल नॉट गो। ये मेरे पास क्या हुआ? फ्यूचर सेंटेंस हुआ। ये मेरे पास क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। ये मेरे पास क्या हुआ? पास्ट हुआ, ठीक है जी। तो मैं तो, अब लोग इसको क्या बोलते हैं? लोग इसको बोलते हैं डेफिनेट, ये इंटीग्रल, सॉरी मैथमेटिक्स टर्म निकल रहा है, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेंस पकड़ो, सब कुछ खेलेगा। सेंस पकड़ो, सिर्फ सेंस, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। अब इससे जो रिलेटेड एग्जाम्पल है वो मैं यहां नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की थोड़ा शॉर्टेज है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे लेक्चर देने हैं।
तो टाइम की थोड़ा सोचिए, वो आप किसी भी बुक से दो तीन एग्जाम्पल कर लो, इससे बुक वैसी बात कोई क्वेश्चन इतना उठता नहीं है, इसलिए मैंने इसको इतना प्रेफरेंस नहीं दी है। जहां से क्वेश्चन उठेगा मैं 100% वहां आपको 100% देके जाऊंगा, हर एक चीज उसके बारे में बता के जाऊंगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी, अब मैं लिख दू, अब मैंने तीन सेंटेंस बोल लिख दिया जी, आई टीचिंग। आप बोलोगे क्या है आई टीचिंग। अब इसमें मुझे, मैंने, मेरी मेन वर्ब टीचिंग है, उसने टेंस बताना बंद कर दिया। अब टेंस बताना बंद कर दिया तो मुझे किसकी जरूरत होगी, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाई जी, मैंने बोला जी हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, इज है हमेशा, जब भी काम जारी होगा तो आईएनजी लेगा, साथ में इज एमआर लेगा प्रेजेंट में, तो इज आई के साथ क्या लेगा जी, एम लेगा जी, तो आई एम टीचिंग हो गया, क्योंकि मुझे पता है प्रेजेंट में क्या लेगा, इज एम आर। आप सभी लोग देख रहे हो कि मैंने यहां भी एग्जाम्पल लिखा, यहां नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने अपने पहले लेक्चर में ये कंप्लीट पूरा अच्छे से आपको कवर कराया, काम जारी के सेंटेंस जो मैं सिर्फ प्रेजेंट की बात करता पहले अपने इंट्रो क्लास में। ठीक है जी, अब इंट्रो क्लास में मैंने सिर्फ लाइव सेंटेंस की बात करी थी, काम जारी, काम खत्म, लाइव सेंटेंस की बात करती हूँ, वो सब प्रेजेंट की बात कर रहा था मैं, अब सब पूरा डिटेल में टेंस टाइम टेंस बता रहा हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है जी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, इनडेफिनेट जो लोग कहते हैं, कंटिन्यूअस जो लोग कहते हैं, परफेक्ट जो लोग कहते हैं प्रेजेंट, और जी परफेक्ट कंटिन्यूअस जो लोग कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जी, मैं सीधे सीधे सुदोकड़ी भाषा में पढ़ाने वाला इंसान हूँ, सीधे सीधे सुदोकड़ी भाषा में आपको सेंस पकड़ा के जाऊंगा, आप सेंस पकड़ोगे एंड अच्छा परफॉर्म भी करोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है जी, अब दूसरी बात करते हैं कि इज एम आर, हमेशा मुझे पता है काम जारी में इज एम आर रहता है, इज एम आर ले लिया जी, इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले ली काम जारी में। ठीक है जी, अब मुझे पता, अब छोटा सा एक ध्यान इधर दो, ठीक है जी, अब जो इज एम आर है वो क्या है, बी वर्ब की फॉर्म इज एम आर है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है इज एम आर, सेकंड फॉर्म क्या है वाज वर्ब, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है बीन होती है जी। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होती है, एंड थर्ड फॉर्म बीन होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रख लीजिए जैसे मर्जी रहे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ग्रामर बेस है जी। ठीक है जी, हैव वर्ब क्या क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव और हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। क्लियर हुआ जी, अब देखो जी, अब मुझे पता है इज एम आर, इज एम आर है तो पास्ट में जाएगा क्या लेगा, सेकंड फॉर्म लेगा, पास्ट में जाएगा सेकंड फॉर्म लेगा, और बी की सेकंड फॉर्म क्या है जी, वाज वर है जी, तो यानी कि यहां क्या लेगा, वर लेगा। ठीक है जी, वर लेगा, तो यहाँ पे वाज वर इसकी पास्ट की क्या होगी, वाज वर हेल्पिंग वर्ब होगी जी। पास्ट में जब भी जाएगा, पास्ट जिसको लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, मैं बोलता हूँ पास्ट में काम जारी, लोग बोलते हैं पास्ट में कंटिन्यूअस, मैं बोलता हूँ पास्ट में काम जारी, तो क्या लेगा, वाज वर लेगा, क्योंकि इज एम आर की सेकंड फॉर्म लेता है, इसलिए वाज वर लेगा, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा जी। अब बात करते हैं फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर एक इमोशनल है तो विल तो लेगा ही लेगा जी। अब मुझे पता है, हमेशा याद रखना, मॉडल के साथ हमेशा प्योरेस्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्योरेस्ट फर्स्ट फॉर्म, मॉडल हमेशा प्योरेस्ट फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो विल हमेशा प्योरेस्ट फर्स्ट फॉर्म लेगा, इसकी प्योरेस्ट फर्स्ट फॉर्म क्या होती है जी, बी होती है जी, तो विल बी आएगा जी। क्यों आएगा जी, क्योंकि एम किस में कन्वर्ट होगा, प्योरेस्ट फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि काम जारी है, अब काम जारी फ्यूचर में है, तो यानी कि ये वर्ब तो यूज होगी, तो इसलिए एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योरेस्ट फर्स्ट फॉर्म में, और एम की प्योरेस्ट फर्स्ट फॉर्म है क्या, बी है जी। क्लियर हुआ, एम की प्योरेस्ट फर्स्ट फॉर्म है क्या, बी है जी, इसलिए मैंने बी यूज किया। क्लियर हुआ, अब एक एक एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। जैसे कि मैं पास्ट में आता हूं, मैं बोलता हूं व्हेन यू केम, केम क्या है, कम की सेकंड फॉर्म है जी, कम की सेकंड फॉर्म है, तो मुझे यहां से पता लग गया कि ये पास्ट का सेंटेंस है, इस वर्ड ने मुझे इंडिकेट कर दिया कि ये किसका सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, इतना इंडिकेट हो गया जी। अब इतना इंडिकेट हो गया तो आगे चलते हैं, टू माई हाउस आई एम स्कैनिंग, आई एम, तो आई एम तो आएगा नहीं पास्ट में, क्या आएगा, वाज वर आएगा, वाज वर प्लस आई एन जी आएगा, क्योंकि उसकी सेकंड फॉर्म यूज होती है, वाज वर प्लस आई एन जी आएगा, तो वाज वर लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, आई वर हमारे पास यहाँ पे यूज क्या होगा, आई वर यूज होगा यहाँ पे, आई वर स्कैनिंग माई कंप्यूटर टू सेव इट फ्रॉम निकोरियस वायरस, निकोरियस वायरस होते हैं हार्मफुल वायरस, जो कंप्यूटर को हार्म करते हैं, जो चीजों को, उसको निकोरियस बोलते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं एक फ्यूचर पे, छोटा सा सेंटेंस ले ले, ये प्रेजेंट पे तो मैंने बता ही चुका हूं, मैं पिछली अपने जो काम जारी वाला चीज है मैं उसमें सबको डिटेल में बता गया, और
अगेन मैं रिपीट कर लूंगा कि मेरी अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझना है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर दोबारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके मेरा पहले प्रीवियस लेक्चर देखे फिर इस लेक्चर पर आए, मैं दोबारा से वो चीज बोलूंगा। ठीक है जी, अब आगे करते हैं फ्यूचर की बात। फ्यूचर में क्या है जी, टुमारो एट दिस टाइम, भाई इससे इंडिकेट हो गया मुझे कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, मुझे इससे क्या इंडिकेट हो गया भाई फ्यूचर का सेंटेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, वी आर सिटिंग, भाई ये तो गलत हो गया ना सिटिंग, क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस में क्या यूज होगा, विल बी और शैल बी, तो विल बी सिटिंग। अब समझ भी आया कि विल बी ही क्यों होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी ही क्यों यूज होता है, मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलूंगा इसको, ये क्या है काम जारी है फ्यूचर में, फ्यूचर में काम जारी का सेंटेंस है ये, फ्यूचर में ये क्या है प्रेजेंट में काम जारी का सेंटेंस है, ये क्या है पास्ट में काम जारी का सेंटेंस है, लोग इसको पता नहीं क्या 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 बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है जी, तो अब विल बी हमारे पास यहाँ पे यूज होगा, ठीक है क्लियर बात हुई, तो यानी कि हमेशा फ्यूचर में क्या होगा विल बी और शैल बी हमारे पास यूज होगा, फ्यूचर में होगा यहाँ पे लिख देता हूं मैं विल बी और शैल बी हमारे पास यूज होगा, और इसमें प्रेजेंट में इजमार यूज होगा, और यहां पे लिख देता हूं वाज वर यूज होगा हमारे पास पास्ट में। कैसे होगा वो सब चीज मैंने समझाई है, रटवाया नहीं है, हर एक चीज लिंक हो रही है यहाँ पे, सब चीज मैंने बताई है। ऐसे पास्ट में डिड यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तो डू यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर हुआ। अब आगे हम चलते हैं जी, हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं काम खत्म की, काम खत्म के सेंटेंस की, जिसे लोग क्या कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंसेस, जिसे लोग कहते हैं परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कह लो या पास्ट परफेक्ट कह लो या फ्यूचर परफेक्ट कह लो, पर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं काम खत्म सेंटेंसेस, जिसमें काम खत्म होता है, और सारे सेंटेंस पास्ट और फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सारे के सारे काम खत्म ही है, ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म। अब यहाँ पे दोबारा वही फंडा आता है कि भाई जब मेरी मेन वर्ब, जब मेरी मेन वर्ब टेंस बताना बंद करते तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं टेंस बताने के लिए, बिल्कुल करते हैं। तो अब देखते हैं जी, अब देखते हैं, अब भाई मैंने, मैं अगर यहां लिखूं आई हैव टेकन, मैं एक बार पेन चेंज कर लू सर, अब मैं लिखता हूं आई हैव टेकन, आई हैव टेकन, ठीक है जी क्लियर हुआ। आई हैव टेकन मैंने बताया था जब काम खत्म होगा तो हैज और हैव में से हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, और मैंने इसके अच्छे से एग्जांपल भी कराए थे फर्स्ट लेक्चर में, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा जिसने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा वो मेरा प्लीज पहला लेक्चर देख ले, तभी जाके अच्छे से चीजें समझ आएगी, अन्यथा समझ नहीं आ पाएगी आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए मैं आप देखो जी, यानी कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, कब, जब हमारे पास काम खत्म हो, काम खत्म हो रहा हो, ठीक है जी, तो हम ये यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वही चीज पास्ट में, वही चीज बात करते हैं पास्ट में, ठीक है जी। अब पास्ट में देखो जी, अब मुझे पता है, अब इससे पहले वाली चीजें बताया था कि हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है क्या, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म लेगा, सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है जी, सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है जी, इसीलिए पास्ट में काम खत्म के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, क्लियर हुआ जी ये, ठीक है जी। अब हैड का हम यूज करते हैं, अब देखो जी पास्ट में काम चल रहा है, पास्ट में एक तो पास्ट सेंटेंस हो गया जो लाइफ से जुड़े हुए सेंटेंस है, जो लाइफ से जुड़े हुए सेंटेंस है, दूसरा हो गया ये वाला सेंटेंस जो पास्ट का भी पास्ट, हम इसे कह सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, पास्ट का भी पास्ट, यानी कि यहाँ पर दो सेंस बनती है जी, क्या क्या, एक अर्ली और एक लेटर, यानी कि एक पहले काम की एक बाद के काम की, जो जो पहले काम होगा वो हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, जो बाद में काम होगा वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा, जो पहले काम होगा वो हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, और जो बाद में काम होगा वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा, क्लियर हुआ जी। जो पहले हमेशा, जो यानी कि पास्ट का भी पास्ट है, ये क्या है, पास्ट का भी पास्ट, यानी कि पास्ट में भी काम हो चुका है, पास्ट में भी काम हो चुका है, पास्ट में भी काम हो चुका है, यानी पास्ट का पास्ट है, ये प्रेजेंट में काम हो चुका है, ये पास्ट में
भी काम हो चुका है, यानी कि एक काम जो पहले काम हुआ है वो हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि वो हमेशा जैसे लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट है, पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। वो क्या एक लाइफ एक काम खत्म का सेंटेंस है, एक काम खत्म का सेंटेंस है पास्ट में, यानी कि पास्ट का भी पास्ट हो गया वो, तो पास्ट का पास्ट हो गया यानी कि हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, और लेटर यानी कि जो अभी हुआ है जो काम उसके बाद पहले वाले के बाद में जो काम हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे कि आपने सुना होगा जब पाकिस्तान में टीम गई थी, एक टीम गई थी तो वहां पे एक विस्फोट हुआ था, ठीक है जी, तो ड्राइवर ने एक बहुत अच्छा काम किया था। क्या काम किया था भाई, जैसे बम फेंका गया ना तो ड्राइवर ने बस को भगा लिया। तो अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मैं सिचुएशन को पढ़ा सामने एक सीन क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि टेररिस्ट ने बम फटने से पहले ड्राइवर ने उस बम पे से बस को निकाल लिया। तो पहले बस निकली तो बस क्या, अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूंगा तो ये काम खत्म का है, काम खत्म वो भी पास्ट में, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, और बम फटा वो भी पास्ट में फटा, तो वो क्या लेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, द बस हैड क्रॉस्ड बिफोर बम ब्लास्ट, ये बम ब्लास्ट क्या है सेकेंड फॉर्म है जी, ठीक है जी, क्लियर हुआ। बड़े सिचुएशन को बड़े अपने सामने सोच के देखो कि उस सिचुएशन में क्या हुआ होगा, ड्राइवर ने कितनी समझदारी से बस को निकाला होगा बम के ऊपर से, बड़ा सिचुएशन सोच के देखो, ठीक है जी। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मैं कहूं कि किसी कोचिंग सेंटर का मेरे पास फोन आया और बोला कि भाई कि सर आपको कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहा है, और मैं उसको बोलू कि मैंने तो पहले ही ज्वाइन कर लिया जी। किसी कोचिंग सेंटर का मेरे पास परसों फोन आया और बोला कि सर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैंने तो पहले ही ज्वाइन कर लिया। तो पहले जो ज्वाइन कर लिया वो क्या है अर्ली वाला सेंस है, और जो और फोन कब आया बाद में आया, तो बाद वाला लेटर वाला सेंस क्या है फोन आने का। तो अगर उसको मैं ट्रांसलेट करूं सिचुएशन को, बड़ा देखो सिचुएशन को एनालाइज करो, तो अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं क्या होता है, आई हैड ज्वाइंड सम अदर सेंटर बिफोर आई रिसीव्ड योर कॉल, तुम्हारी कॉल आने से पहले मैं कोई और सेंटर ज्वाइन कर चुका, तो पहले ज्वाइन करा है ना तो हैड ज्वाइंड आ गया, और बाद में फोन आया है ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मेरे पास आ गई। अब एक एरर देखना कि एरर है कहां इसमें। मैं कहता हूं एज लॉन्ग एज आई डिड नॉट चेक द मीटर आई डिड नॉट पे फेयर, जब तक मैं मीटर चेक नहीं करूं जब तक मैं किराए का पैसा नहीं लूंगा। आज मैं जब ऑटो से यहाँ पे आ रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने ऑटो वाले से बोला कि भाई मैं जब तक पैसे नहीं दूंगा जब तक मैं मीटर चेक नहीं करूंगा, तो पहले मीटर चेक करूंगा पैसे दूंगा, पहले मीटर चेक करूंगा। तो मीटर चेक करने का क्या हुआ, पहले वाला चीज अर्लियर सेंस, तो क्या हुआ इसको अगर मैं बोलूं एज लॉन्ग एज आई हैड, क्या आएगा डिड आया पे क्या आएगा हैड आएगा जी, Had not checked the meter, I did not pay fare, I did not, ठीक है जी। तो ये तो सही है, क्लियर हुआ, ये यहाँ पे क्या एरर था, यहाँ पे एरर था, क्लियर हुआ जी। अब ये तो होगी पास्ट में रिलेटेड की बात, अब बात करते हैं कि पास्ट, ये तो क्या पास्ट में काम खत्म, अब फ्यूचर में काम खत्म देख लेते, जिसको लोग क्या बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट लोग बोलते हैं, बट मैं नहीं बोलता इसको, क्या बोलता हूँ मैं फ्यूचर में काम खत्म हो जाएगा वो जरूर, ऐसी संभावना है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो जी, अब इसमें भी अर्ली लेटर की दो सेंस बनती है इसमें भी। अब मैं बोलूं देखो जी, अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर हमेशा इमोशनल वर्ब लेगा, मॉडल लेगा, मॉडल मैंने बोला विल भी ले सकता है आई के साथ, और हाँ एक चीज आप बोल सकते हो कि भाई आप मैं आई के साथ विल क्यों लगा रहा, क्योंकि आजकल आई के साथ विल भी लगता है सेल भी लगता है, विल हम तब यूज करते हैं जब हमें ज्यादा उस पर फोकस कर रहे हो, ज्यादा हम प्रेशराइज कर रहे हो, तो हम विल का भी यूज करते हैं और सेल का भी यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, आई के साथ विल भी यूज होता है। जो आपको टीचर ऐसा कहता है कि सेल ही यूज होगा वो गलत कहता है जी, आई के साथ विल भी यूज होता है और सेल भी यूज होता है, ठीक है जी। अब देखो जी, आई विल टेक कंटी, ठीक है जी। अब देखो जी, अब क्या हैव की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है जी, हैव की प्योरेस्ट फॉर्म है भी तो है, तो इसलिए क्या यहाँ पे क्या यूज होती है, विल हैव और सेल हैव हमारे पास यहाँ पे यूज होता है जी, सेल हैव,
क्लियर हुआ। वहां पे इसकी सेकंड फॉर्म यूज होगी हैड, या इसकी प्योरेस्ट फॉर्म यूज होगी विल हैव टेकन टी। ठीक है जी, यहां भी अर्ली लेटर दो सेंस है। कैसे सेंस भाई? मेरा दोस्त मेरे से बोला, आठ बजे हम मेरे और मेरे दोस्त की कन्वर्सेशन एक चल रही है, सदुकड़ी भाषा से आपको समझाऊंगा जी, सदुकड़ी भाषा से, बिल्कुल सदुकड़ी भाषा से आपको समझाऊंगा। मेरे और मेरे दोस्त की एक कन्वर्सेशन चल रही है जिसमें मेरा दोस्त बोलता है कि मैं बोलता हूं अपने दोस्त से कि भाई तू जब मैं 8 बजे की बात है, वो 12 बजे वापस रूम पे आएगा। 8 बजे की बात है, 8 बजे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो कब आएगा? 12 बजे रूम पे आएगा। ठीक है जी, 12 बजे रूम पे आएगा, 8 बजे की बात है, 12 बजे वो रूम पे आएगा। तो क्या होगा जी, मैंने उसको बोला भाई जब तक तू आएगा मैं सो जाऊंगा, जब तक तू आएगा मैं सो जाऊंगा। अब अगर मैं इसको सिंपल वे में बोलूं, आई विल स्लीप बिफोर यू विल कम। ठीक है जी, तो ये एक एरर सेंटेंस है, आई विल स्लीप बिफोर यू विल कम। क्यों? क्योंकि अर्ली लेटर का सेंस है कि पहले मैं सोऊंगा या पहले वो आएगा। पहले मैं सोऊंगा, तो सोने का क्या है, स्लीपिंग क्या है, एक अर्ली सेंस है, और कम क्या है, एक लेटर सेंस है। तो यानी कि जब कभी फ्यूचर में ऐसा केस बन रहा हो तो हम क्या करते हैं फ्यूचर में अगर अर्ली लेटर का सेंस बन रहा हो तो हमेशा काम खत्म फ्यूचर में जाएगा, यानी कि जो अर्ली वाली सेंस है वो काम खत्म फ्यूचर में, काम खत्म का जो सेंस है वो लेगा। अर्ली वाली सेंस जो है वो क्या लेगी फ्यूचर में, काम खत्म वाली सेंस लेगी, यानी कि विल हैव स्लीप आएगा, विल हैव स्लीप्ड आएगा। और जो लेटर वाला सेंस है वो फ्यूचर का लाइफ सेंटेंस नहीं लेगा, वो फ्यूचर का लाइफ सेंटेंस नहीं लेगा, वो क्या लेगा, प्रेजेंट का लाइफ सेंटेंस लेगा, यू कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, प्रेजेंट का लाइफ सेंटेंस लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इसलिए लेगा क्योंकि वो प्रेजेंट में ही तो आएगा, प्रेजेंट में ही तो आएगा, इसलिए वो लेगा। क्लियर हुआ जी ये बात? अब उसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अब इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो सिंपल भाषा में इसको ये भी लिख सकता हूं, आई विल स्लीप बिफोर यू कम। मैं सिंपल सा ये भी लिख सकता हूं, ये भी ठीक है, बस गलत क्या है, ये गलत है जी, क्योंकि आई विल स्लीप भी है और यू विल कम भी है, दोनों फ्यूचर में ही पटके रखे है। तो हमेशा याद रखना फ्यूचर में काम खत्म में क्या होगा कि जब विल है, हमेशा फ्यूचर में काम खत्म में क्या होगा, जब कभी अर्ली वाली सेंस क्या लेगा, फ्यूचर लेगा, फ्यूचर में काम खत्म की लेगा। अर्ली वाली सेंस क्या लेगा, फ्यूचर में काम खत्म की, और लेटर वाली सेंस क्या लेगा, प्रेजेंट में फ्यूचर, प्रेजेंट में लाइफ सेंटेंस की, प्रेजेंट में लाइफ सेंटेंस की। या तो ये सेंटेंस होगा या फिर ये सेंटेंस होगा कि पहला भी फ्यूचर में लाइफ का, दूसरा प्रेजेंट में लाइफ का, ये दोनों बात सेम ही कह रहे हैं, ये दोनों बात यही कह रहे हैं कि 8 बजे मैं वो कन्वर्सेशन करे कि 12 बजे वो आएगा। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आप, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो जी अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम देखते हैं एक्सपीरियंस वाले सेंटेंसेस। लोग इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, मैं बोलता हूं एक्सपीरियंस वाले सेंटेंसेस। जब कभी मेरे पास काम जारी वाला सेंटेंस मेरे को एक्सपीरियंस दिखाने लग जाता है, काम जारी वाला सेंटेंस अगर एक्सपीरियंस बताने लग जाता है तो उसको मैं इस तरीके से बनाता हूं। जब कभी काम जारी वाला सेंटेंस मेरे को अगर एक्सपीरियंस दिखाने लग जाता है तो मैं उसको इस तरीके से बनाता हूं। कैसे भाई? जैसे कि मैं बोलता हूं टीचिंग। अब देखो जी, काम जारी वाला सेंटेंस है तो सीधी सी बात है, अब ये काम पहले, अब सिंस कब से 1995 से मैं पढ़ा रहा हूं। 1995 से पढ़ाने का मतलब क्या है कि 1995 से पढ़ा रही, यानी कि पहले भी पढ़ा रहा था, यानी कि काम पूरा हो चुका था, पहले भी कर रहा था, तो यानी कि हैव मेरे पास आना ही आना है। ठीक है जी, हैव आना ही आना है। अब मुझे पता है काम पूरा हो चुका है तो हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये क्या है, काम जारी वाला चीज है। काम जारी में क्या आते है, इज एम और आर आती है, और इज एम आर की प्योरेस्ट थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है जी। तो यहां क्या आ जाएगा जी, हैव बीन आ जाएगा जी। क्लियर हुआ जी, हैव बीन क्लियर हुआ। कैसे आया, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, मुझे पता है ये जो है काम जारी वाला सेंटेंस अगर एक्सपीरियंस बताने लग जाए तो हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। कैसे भाई, काम जारी वाला सेंटेंस में क्या आता है, इज एम आर,
इजे मार आता है काम जरिवल सेंटेंस में, प्रेजेंट की बात करूं बस मैं, इजे मार आता है तो इजे मार आता है। अब मुझे पता है काम जरिवल पहले भी चल रहा है तो उसके साथ हैव तो आने ही आना है, क्लियर हुआ, हैव आने ही आना है। अब जब हैव आने ही आना है तो अब इजे मार मेरे पास काम जारी में यूज होता है, अब उसकी क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई तो इजे मार की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, तो इसलिए हैव भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट। लोग कहते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मैं कहता हूं कि काम जारी का सेंटेंस एक्सपीरियंस बता रहा है जी, काम जारी का सेंटेंस एक्सपीरियंस बता रहा है, इसको डिटेल में नीचे जानेंगे, ठीक है जी। वैसे अब तक कुछ हद तक समझ आ चुका होगा, बाकी मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है जी। अब इसी को अगर मैं पास में लेके जाऊं, इसी को अगर मैं पास में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, भाई हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगी, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, और बीन तो बीन रहेगा जी, क्लियर हुआ, बीन तो बीन रहेगा क्योंकि इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, क्लियर हुआ जी। तो वही सेम फंडा यहां से शुरू होता है। अब मुझे पता है कि फ्यूचर में विल तो आएगा ही आएगा क्योंकि इमोशंस की बात कर रहे हैं, विल आएगा ही आएगा। अब हैव की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, हैवी होती है, और हैव के साथ बीन भी आता है तो बीन विल विल हैव बीन मेरे पास यहां आता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज हो जाएगा, शैल हैव बीन यहां पे यूज हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हैव बीन और हैज बीन यूज हो जाएगा, यहाँ पे हैड बीन यूज हो जाएगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, हैज बीन और या फिर हैव बीन, हैव बीन, ठीक है जी। तो समझ आया कहां से ये हैव बीन बना, कहां से ये हैज बीन बना, कहां से ये हैड बीन बना, कहां से विल हैव बीन बना, ये चीज कोई नहीं समझाता, सब आपको रट्टा देते हैं कि भाई ये प्रेजेंट को परफेक्ट कंटीन्यूअस है, रट लो इसको, पढ़ लो इसको, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से पढ़ो, आप लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है जी। अब आगे बात करें, थोड़े छोटे एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आई नो एवरी नुक एंड कॉर्नर, एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है हर एक कोना ऑफ दिल्ली, बिकॉज आई एम लिविंग हियर फॉर 1985। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्सपीरियंस बता रहा है जी। जब एक्सपीरियंस बताएगा तो ये काम जारी वाला सेंटेंस तो आएगा नहीं। अब काम जारी वाला सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो एम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बीन में कन्वर्ट हो गया, और हैव इसलिए आएगा क्योंकि वो पहले से काम चलता आ रहा है। समझ आया जी कहां से आया हैव बीन, क्लियर हुआ जी यहां से, तो यहाँ पे हैव बीन आ गया। अब हम बात करते हैं पास्ट की, व्हेन दे एक्सपेल्ड मी, अब इसका मतलब क्या, ये सेकंड फॉर्म आ गई तो इसका मतलब क्या है, पास्ट का सेंटेंस है, इतना बड़े क्लियर हो गया। आई वॉज सर्विंग देम फॉर 15 इयर्स, अब ये क्या शो करता है, एक्सपीरियंस शो कर रहा है कि मैं 15 साल से वहां सर्व कर रहा था, उन्होंने जब मुझे भगाया, मैं 15 साल से मैं सर्व कर रहा था, तो 15 साल से सर्व कर रहा था, यानी एक्सपीरियंस बता रहा है, तो एक्सपीरियंस बताएगा तो क्या जाएगा, हैड बीन, तो हैड बीन सर्विंग, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ऐसे इस फ्यूचर की बात करते हैं, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल, फ्यूचर का बात कर रहा है, अगले साल ही विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 12 ईयर, फॉर 12 ईयर का मतलब क्या, एक्सपीरियंस बता रहा है 12 साल से, तो विल बी तो आने का नहीं, तो क्या आएगा, विल हैव बीन, क्लियर हुआ जी। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, हमेशा याद रखना सिंस जो है, सिंस इज ऑलवेज कम व्हेन इन द सेंटेंस वी टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मेरे पास होता है तो मैं सिंस का यूज करता हूं, और फॉर का यूज कब करता हूं, जब मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, वी डू नॉट टॉक अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, जब मैं बताता नहीं हूं तब मैं फॉर का यूज करता हूं, जैसे कि मैंने यहां यूज करा, भाई मैंने स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं पता ना मुझे, यहां क्या स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने फॉर का यूज करा। जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहां पर सिंस 1985, तो मैं सिंस की बात कर रहा हूं, तो है ना गड़बड़, तो यानी यहां पे मैं सिंस की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा तो सिंस की बात कर रहा हूं, और जब मैं पीरियड ऑफ टाइम दूंगा तो मैं इसी फोर की बात करूंगा, फोर में वहां पे यूज करूंगा। ये क्लियर है, फोर और सिंस का डिफरेंस पता लगा, कहां पे क्या होता है, सिंस कब यूज होगा, जब मेरे पास स्टार्टिंग टाइम दिया होगा, फोर कब यूज होगा, जब मेरे पास स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया होगा, पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, क्लियर हुआ जी सिंस और फोर का डिफरेंस। सिंस और फोर के बाद एक सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज जो इस कंसेप्ट को ना और ज्यादा डीपली क्लियर करेगा, देखो जी वो क्या चीज है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो जी ये है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके कंसेप्ट को ना और ज्यादा क्लियर करेगा, इसलिए मैंने इसको यहां डाला है। देखो जी कैसे, भाई मैं बोलता हूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 इयर्स, आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 इयर्स, ये सेंटेंस गलत है जी,
क्यों? क्योंकि वे ये क्या बता रहा है, एक्सपीरियंस बता रहा है जी। क्या बता रहा है जी? एक्सपीरियंस बता रहा है जी। जब एक्सपीरियंस बताएगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि एम जो है एम जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी प्योरेस्ट थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 इयर्स मेरे पास आ जाएगा। और वही चीज जरूरी नहीं की, जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस में केवल केवल काम जारी वाले सेंटेंस में ही बता सकता हूं, एक्सपीरियंस में लाइफ के सेंटेंस में भी बता सकता हूं। तो वो एक्सपीरियंस कैसे बताऊंगा, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है जी, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ऐसे में एक्सपीरियंस नहीं बता सकता काम जारी वाले में। काम जारी वाले सेंटेंस में अगर मुझे एक्सपीरियंस बताना है, दोबारा से रिपीट करो, अगर मुझे अगर मुझे लाइफ के सेंटेंस में एक्सपीरियंस बताना है तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसे मैं एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, आई अप्ले। अब देखो जी, अब हमेशा याद रखना जब भी एक्सपीरियंस बताना तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां भी तो वही हो रहा था भाई, हैव प्लस एम की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहां भी अब यहाँ हैव एम तो है नहीं, ना तो इज है, ना एम है, ना आर है, तो ये अब यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले ही वर्ब है, तो इसी की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट होगी। तो हैव प्लस प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, तो इसलिए यहाँ पे बीन नहीं आया। यहाँ बीन क्यों आया, यहाँ बीन क्यों नहीं आया, समझ आया? इसीलिए बड़ी बड़ी बुक्स में लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में, पता क्या लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में लिखा हुआ है कि कभी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में भी, कभी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में भी सिंस और फोर का यूज कर लेते हैं। तो समझ आया, वो सिंस और फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं क्योंकि वो जो सेंटेंस है ना, वो लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा है, लाइफ सेंटेंसेस का एक्सपीरियंस बता रहा है। जब लाइफ सेंटेंसेस का एक्सपीरियंस बताएगा तो वो सेंटेंस किस में बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और इसी कारण से, यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी सिंस और फोर का यूज कर लेते हैं, वो यही करते हैं, इसी कारण से हम करते हैं। ये डिफरेंस समझ लेना, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर तो है नहीं, काम जारी तो है नहीं, लाइफ का सेंटेंस है, लाइफ का सेंटेंस में मेन वर्ब यही होती है और हेल्पिंग वर्ब भी यही होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो सिंपल सी बात है इसी की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे यहाँ है प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एम की थर्ड फॉर्म बीन होती है तो कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड होती है तो हैव प्लेड हो गया। तो यानी कि एक चीज, एक लाइन तुम्हें हमेशा याद रखनी है, ये वाली चीज कि अगर इफ वी टॉक अबाउट एक्सपीरियंस इन काम जारी, काम खत्म या लाइफ सेंटेंसेज में, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम नोइंग हिम फॉर टेन ईयर्स। अब सबसे बड़ी बात, आई एम नोइंग हिम फॉर टेन ईयर्स, ये गलत है जी सेंटेंस। क्यों गलत है जी, ये गलत क्यों है जी, इसलिए गलत है, मैंने अपने प्रीवियस चीज में बताया था, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नो के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आने का। नो एक ऐसी वर्ब है जिसमें कभी आईएनजी नहीं आने का। क्यों नहीं आने का, क्योंकि किसी को जानोगे, किसी को अगर तुम जानते हो तो 5-10 मिनट के लिए थोड़ी जानोगे, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, उम्र भर के लिए जानोगे, तो वो लाइफ का सेंटेंस है। तो लाइफ का सेंटेंस सिंपल सी बात है, आईएनजी हट जाएगा तो आईएनजी हट गया, आईएनजी हट जाएगा हट गया जी, और ये भी हट जाएगा आई नो, ठीक है जी। अब ये मेरा सही सेंटेंस हो गया। अब इसमें अगर मुझे काम जारी बता, अभी भी क्या गलत है क्योंकि ये काम जारी भी बता रहा है। अब इस काम जारी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, ये एग्जाम में पूछा गया है, SSC 2010 में ये क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ था। तो प्लीज गाइज इस चीज को, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। लोग बोलते रहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कभी कभी सिंस या फोर लग जाता है, तो वो क्यों लगता है वो मैंने बताया, क्योंकि जब लाइफ के सेंटेंस में अगर मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं तो वो सिंस और फोर ले लेता है प्रेजेंट परफेक्ट बनाकर, काम खत्म बनाकर। समझ आया? अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज समझ आया। देखो जी, अब 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं। देखो जी, जिस किसी ने भी अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैं अगेन उससे विनती करता हूं कि वो मेरा पहला लेक्चर देखे, तभी दूसरे को देखे, क्योंकि दूसरा लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप पहले को अच्छे से समझ चुके होंगे। और मैं अपनी तरफ से 100%
100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज, हर एक इंग्लिश की सेंस पकड़ा सकूं, ना कि आपको रटी रटाई किताबें बता सकूं। रटी रटाई किताबें बताने के लिए तो पता नहीं कितने टीचर इस मार्केट में बैठे हैं, कितने यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, बट हम लोग आपको बेस्ट देना चाहते हैं, अपने से बेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पर इंसान को सबसे ज्यादा ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर अपने आप से भी ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, और मुझे हमेशा खुश रहना है, इसलिए यही कारण है कि मैं टीचिंग में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, अपना बेस्ट देता हूं, हर एक कंसेप्ट को बड़े अच्छे से निकाल के लाता हूं, और अच्छे से निकाल के भी लाया। और आप सभी को जैसा अब तक पढ़ते आए हो, रटे रटाई चीजें मत पढ़ो। आगे अगली लेस्ट वीडियो, अभी मेरा पूरा ये टाइम ऑन टेस्ट पूरा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम की थोड़ा कमी है, तो आगे की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो 5-10 मिनट की वीडियो में एक बनाऊंगा, उस वीडियो में आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो में आपको मैं ऐसे ऐसे राज को, ऐसे ऐसे पर्दे में आगे से हटाऊ आपके आंखों पे, कि जो बच्चों, जो टीचरों ने ऐसे ऐसे पर्दे लगा रखे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये फुनाना सेंटेंस है, ये ढिकड़ा सेंटेंस है, एक हवा क्रिएट कर दिया तुम्हारे सामने, एक हवा बना दिया, तुम पहले डर जाते हो कंडीशनल सेंटेंस होते क्या। ऐसे सेंस से आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा कि आपको खुद लगेगा कि कंडीशनल सेंटेंस तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी। तो इसीलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो भी जरूर वॉच करना, क्योंकि ये चीज जब भी पूरी होगी तब वो आप देख सको। तो इसीलिए अब हम इस सेशन को ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो और मेरे को थैंक यू करना चाहते हो, मेरा थैंकफुल, मेरे को थैंक यू बोलना चाहते हो, तो प्लीज मेरे को थैंक यू सिर्फ इसी तरीके से बोल सकते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें, जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी सारी जगह पर शेयर करो, सब्सक्राइब मेरे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करो प्लीज गाइज। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ता है, तो प्लीज गाइज लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।